अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मज़ों में होंगे और खुशामदीद है मेरे व्लॉग्स में आप सबका। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छा, आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम जा रहे हैं DFDS क्रूज़ में ओस्लो, और ये छोटा सा ट्रिप है हमारा। आप लोग साथ लाजमी शेयर करना था, मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। बस आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर सारे सेल्फ चेकिंग काउंटर थे। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन टिकट लिए तो आप यहाँ से चेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमने अपना बोर्डिंग पास ले लिया था, टिकट ले लिया था। बोर्डिंग पास और टिकट और आपकी की जो है ना, ये एक ही बोर्डिंग पास में सब कुछ होता है, ये सब कुछ होता है। उसके बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। बोर्डिंग के लिए आपको रेजिडेंस कार्ड चाहिए होगा और पासपोर्ट चाहिए होगा। और सो बोर्डिंग के बाद हम चलते हैं डायरेक्टली DFDS क्रूज़ के अंदर। ओ माई गॉड, बच्चे इतने एक्साइटेड थे। अनाया कहती, मम्मा ऐसे फील हो रहा है जैसे हम एरोप्लेन में जा रहे हैं। मतलब ये ट्रिप हमारा बहुत ही मेमोरेबल होने वाला है। अच्छा, फाइनली हम अपने रूम की तरफ आ गए, और रूम कुछ इस तरीके से था जिस तरह ट्रेन में दो बेड होते ना, उसी तरीके से सेम था, लेकिन काफ़ी हद तक बेटर था ट्रेन से। अच्छा, साथ में छोटा सा वॉशरूम था और शावर एरिया था। अच्छा, साथ में ये छोटा सा ड्रेसिंग यूनिट था और हैंगिंग के लिए जगह बनी हुई थी। मतलब आप लोग जैकेट वगैरह ये कपड़े वगैरह हैंग करने हो, और ऊपर छोटा सा एक कैबिन दिया हुआ था, उसमें आप बैग्स वगैरह रख सकते हैं। अच्छा, ये तो पूरा रूम का विज़िट मैंने आप लोग को कराया, और अब इसके बाद चलते हैं DFDS क्रूज़ का विज़िट करते हैं, हर एक फ्लोर को एक्सप्लोर करते हैं आप लोग के साथ। सबसे पहले जो है ना, हम 11 फ्लोर पर आए हैं, और यहाँ से आपको पूरा का पूरा व्यू देखने को मिलेगा। अच्छा, क्रूज़ डिपार्चर हो चुका है, और ये एवरीडे कोपेनहेगन डेनमार्क से 4 PM दोपहर के डिपार्चर करती है, और नेक्स्ट डे 11 AM ओस्लो पहुंचती है। अच्छा जी, अब हम आ गए 7 फ्लोर पे, और 7 फ्लोर पे मेरा फेवरेट शॉपिंग एरिया था। मतलब मैं कहती हूँ मेरा सिर्फ फेवरेट नहीं होगा, ये हर एक ख़वातीन का ये एरिया बड़ा फेवरेट होता होगा जहाँ पे शॉपिंग हो। ऑब्वियसली वो तो सबको ही पसंद आता होगा वो। तो बस यहाँ का विज़िट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है, और बच्चों को भूख भी लगी हुई थी, उनके लिए स्नैक्स वगैरह भी लेती हूँ, ये कुछ खाएँ, और जल्दी जल्दी से मैंने कहा वीडियो बनाऊँ। बस हर एक ब्रांड यहाँ पे मौजूद था, हर एक चीज़ मौजूद थी, टैक्स फ्री था, आप जो भी लेते हैं टैक्स फ्री होता है, और अच्छी खासी प्राइस पे थी। अब हम अपनी रूम की तरफ जा रहे हैं, खाना खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद आगे आप लोग साथ एक्सप्लोर करते हैं। बच्चे बड़ी एक्साइटेड है, वो तो नहीं जा रहे, मैंने कहा चलें पहले थोड़ा सा रेस्ट करो, उसके बाद जो है ना हम प्ले जोन पे जाएंगे।
अच्छा जी, अब हम आ गए बबल जोन जो 5 फ्लोर पे हैं और बच्चों का फेवरेट एरिया। बच्चे यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और टीवी वगैरह देख सकते हैं, कार्टून्स वगैरह देख सकते हैं। तो बच्चों का ये फेवरेट एरिया था। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं 10 फ्लोर पे कोलंबस क्लब में और यहाँ पे जो है ना म्यूज़िक प्रोग्राम चलता है, गेम्स वगैरह चलती हैं, गेम्स प्रोग्राम चलती हैं, म्यूज़िक वगैरह, और यहाँ पे लोग बैठ के एंजॉय करते हैं। हसन और उसके बाबा तो वही स्विमिंग एरिया में थे क्योंकि हसन नहीं आ रहा था, और अनाया कहती कि मुझे ये गेम शो देखना है, तो चलें यहाँ बैठ के एंजॉय करते हैं कुछ देर, उसके बाद अपने रूम की तरफ चलते हैं। अब हम अपनी रूम की तरफ आ गए। अनीज़ा भी थकी हुई थी, वो भी सो गई है, और जब तक आसान और उसके बाबा नहीं आते स्विमिंग एरिया से तब तक मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, पार्ट 2 में, वो बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, ओस्लो से स्टार्ट होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद कीजिएगा।